किसी ने क्या खूब कहा है, अकेले में अक्सर हम अपनी परछाइयों से डर जाते हैं, साथ मिले अगर किसी का तो हम दुनिया जीत जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अगर हम मिलजुल कर काम करें तो एक दूसरे की सहायता भी हो जाती है और काम भी आसान हो जाता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मिलजुल कर करें काम। एक व्यापारी के पास दो गधे थे। वह उन पर सामान लादकर पहाड़ों पर बसे गांव में ले जाकर बेचा करता था। एक बार उनमें से एक गधा कुछ बीमार हो गया। व्यापारी को पता नहीं था कि उसका एक गधा बीमार हो चुका है। असल में पिछले दिनों हुई बारिश में वह भीग गया था और मौसम में हुए बदलाव के कारण उसकी तबीयत खराब होती चली गई। एक दिन वह व्यापारी उन दोनों गधों को लेकर गांव में नमक, गुड़, दाल, चावल आदि बेचने के लिए ले जाने वाला था। उसने दोनों गधों पर बराबर बराबर सामान लाद दिया और चल पड़ा। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर चलने में बीमार गधे को बहुत कष्ट होने लगा। बीमारी की दशा में वह चलने में असमर्थ था, लेकिन उसकी हालत के बारे में व्यापारी को नहीं पता था कि गधा बीमार है। पहले गधे ने अपने साथी गधे से कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? साथी गधे ने कहा, भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं भी तुम्हारी तरह ही एक ही जगह बंधा रहता हूं, और मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? पहले गधे ने कहा, मैं अपनी पीठ पर रखा एक बोरा गिरा देता हूं, तुम यहीं खड़े रहो, हमारा स्वामी वह बोरा तुम्हारे ऊपर रख देगा, मेरा भार कुछ कम हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ चला चलूंगा। तुम आगे चले जाओगे तो गिरा बोरा फिर मेरी पीठ पर रखा जाएगा। दूसरे गधे ने बोला, भाई मैं तुम्हारा भार ढोने के लिए क्यों खड़ा रहूं? मेरी पीठ पर क्या कम भार लदा है? मैं अपने हिस्से का ही भार ढोऊंगा। बीमार गधा चुप हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत अधिक खराब हो रही थी। चलते चलते एक पत्थर के टुकड़े से ठोकर खाकर वह गिर पड़ा और लुढ़कता हुआ पहाड़ से नीचे खाई में गिर गया। व्यापारी अपने एक गधे के मर जाने से बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। वह थोड़ी देर वहां खड़ा रहा, फिर उसने उस पहले गधे के गिरे हुए बोरे भी दूसरे गधे की पीठ पर लाद दिए। अब तो वह पहला गधा पछताने लगा और मन ही मन कहने लगा, यदि मैं अपने साथी का कहना मानकर उसका एक बोरा ले तो यह सब भार मुझे क्यों ढोना पड़ता? दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहां हम मिलजुल कर काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में संकट में पड़े अपने साथी की जो सहायता नहीं करते, उन्हें पीछे पछताना ही पड़ता है। दोस्तों, इस छोटी सी पंचतंत्र से ली गई कहानी से हम सीखते हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, नहीं तो कभी कभार हमारी भी स्थिति ऐसी गधों जैसी हो सकती है कि हमें अकेले ही सबका भार न ढोना पड़ जाए। और इसके लिए आप प्रतिदिन सतर्क रहें कि कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।